महेश्वर मुस्लिम समाज द्वारा नूपुर शर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों टाइम्स नाउ नेशनल न्यूज चैनल के पैनल डिस्कशन और इस्लाम और उसके सिद्धांतों पर नूपुर शर्मा पिता विनय शर्मा द्वारा पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपशब्द टिप्पणी की थी। इन टिप्पणियों से महेश्वर सहित देश भर के मुसलमानों में गुस्सा और रोष है। भारत के मुसलमानों को निशाना बनाकर धर्म के खिलाफ बोला गया जो कि गलत है। महेश्वर क्षेत्र के मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और अपील की गई है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्यवाही की जाए। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद जिशान अशरफी है और आज हम यहाँ पर तमाम अइम्मा हज़रात, तमाम महेश्वर के मुसलमान एक जमा होकर और महेश्वर के तहसीलदार साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है कि जिस लेडीज ने, जिसका नाम नूपुर शर्मा है, जो दिल्ली की रहने वाली है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून लाया जाए कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी आदमी को ये हक ना मिलेगा वो किसी भी धार्मिक स्थान या किसी भी धार्मिक आदमी के बारे में वो बोल सके। तो हम ये आशा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिसने भी ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शान में ये गुस्ताखी की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे यहाँ तक उम्र कैद की सजा दी जाए। और अगर आज ऐसा नहीं होता है और आने वाले वक्त में और कोई अगर इस तरह की गुस्ताखी करता है तो फिर मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से फिर इसके आगे कार्रवाई करेगा, धरना देगा, विरोध करेगा इस चीज़ का, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से है। एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी की तोहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये हमारा ये बड़ी दिल दुखाने वाली बात है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ये बात कैमरे के सामने बोली जा रही है। तो अगर ये चीज़ को अगर रोक नहीं लगाई गई तो आगे चलकर इसका अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इंसानियत के नाते हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग एक होकर रहे, हर मुसलमान हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी एक है, उसे एक होकर रहना चाहिए। इंसानियत का पैगाम हमें दुनिया को भेजना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जिन्होंने सबसे पहले लोगों को इंसानियत करना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया, लोगों का हमदर्द करना सिखाया, लोगों के सुख दुख बांटना सिखाया। और उसी की शान में अगर हम किसी गलत अंदाज से पेश फरमाते हैं तो ये मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो या पूरे मुल्क का हो या कहीं का भी हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से, हम आवेदन करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि दोबारा ऐसी चीजें आइंदा मुस्तकबिल में फ्यूचर में ना हो पाए। इसके लिए आगे अगर आपका कुछ कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए आप आगे चल के किस प्रकार की प्रशासन से मांग करते हो? प्रशासन से लिए जो भी उचित मांग होगी वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा कानून लाया जाए कि हर मजहब हर धर्म के और हमें उम्मीद है कि मिलेगी सजा। कानून से क्या उम्मीद है? और देश से राष्ट्रपति कानून से क्या उम्मीद है? कानून से भी उम्मीद है, हमें भारत के संविधान पर पूरा यकीन भरोसा है कि उसको सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी। आपने जो आज ज्ञापन दिया है ये किस पर्पस पे दिया है आपने? ये नूपुर शर्मा करके जो दिल्ली की रहने वाली है, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत में और गंदी जो टिप्पणी की है उसके विरोध में आज हम सब मुस्लिम समाज के, महेश्वर के सभी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर हमने जो ज्ञापन दिया है श्रीमान तहसीलदार महोदय को और उनसे निवेदन किया है कि राष्ट्रपति महोदय को हमारा आवेदन माध्यम से भेजा जाए और नूपुर शर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे वतन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी गलत ताकतें पैदा हो गई है जो हमेशा हिंदू मुसलमान और देश के बीच में, भाइयों के बीच में खाड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज के विपरीत अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हम महेश्वर के सभी मुस्लिम समाज के लोगों की ये मांग है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी उचित धारा हो उस पर लगाएं और उसको बंद करें और उसको सजा दें। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिन में देश का माहौल फिर खराब होगा। मुस्लिम समाज के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति, सुख और संयम कायम, हमेशा कायम रहे, मगर कुछ देश के, अब उन्हें हम गद्दार तो कह नहीं सकते क्योंकि वो भी हमारे हैं, मगर फिर भी जो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करता है, हम हिंदुस्तानवासी, तमाम मुसलमानवासी उसे नाकाम कर देंगे और एक दिन उनका मुंह इस दुनिया में भी और वहां पे भी काला होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह
अगर उसने कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत अगर कोई काम किए, अगर इस देश के कानून ने सजा दी तो देश के लिए बेहतर होगा, और वरना जो सारी दुनिया को चलाने वाला, कायनात को चलाने वाला है, वो सजा उसे जरूर देगा। ये हमारी दिल से वो रब से दुआ है कि उसे सजा जरूर दे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।